विवेक जी, ये जो पूरी छवि बनी थी मोदी जी की प्रचार तंत्र की वजह से, ढोल धमाके की वजह से, कि एक बड़ा सख्त और 56-56 इंच वाला और सारा ज्ञान उनके पास था जब 14 में आए थे, तो वो हर चीज का इलाज उनके पास था। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आज जब मणिपुर इस कदर इस स्थिति में पहुंच गया है, एक छोटा सा राज्य जिसे बड़ी आसानी से संभाला जा सकता था, वहां एक इस कदर माहौल बन गया है। आज भी वीडियो आए हैं, आज भी आरोप लगे हैं, आज भी एक स्वतंत्रता सेनानी का घर फूंक दिया गया है। ये लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं, वीडियो आते जा रहे हैं। क्या इसने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को एक्सपोज नहीं कर दिया कि दरअसल इनमें प्रशासन की कोई क्षमता ही नहीं है, ये देश चलाने के योग्य नहीं है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि हम सब लोग इस मणिपुर के प्रकरण को समझने में गलती कर रहे हैं। हम इसको मोदी की विफलता मान रहे हैं। मैं इसको अभी मोदी की सफलता मानने पे उतारू हूँ। वो इसलिए कि हम लोग जो समझते हैं कि मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो दिख तो ये रहा है कि वो कुछ करना नहीं चाहते। अगर इसको हम मोदी जी की विफलता माने, तो फिर गुजरात में जो 2002 में हुआ, जो बिल्कुल इसी तर्ज पर हो रहा था, उसको भी मोदी की विफलता माननी चाहिए। लेकिन वो वो मानते हैं मोदी की लोग, सफल नहीं वो विफलता मानते। देखिए विवेक जी, हम हम मानते हैं। विवेक जी, विवेक जी, नहीं, हम तो मैं अपनी बात को खत्म करूं। मैं हाँ देखिए, मैं आपके पास, लेकिन मैं एक प्रति प्रश्न है मेरा, और वो प्रश्न ये है कि हम किसी की सफलता और असफलता को किस पैमाने पे मापेंगे। हम क्या लोकतंत्र संविधान की कसौटी पे मानेंगे या इसकी या उसकी कसौटी पर मानेंगे? जी मैं इसको मोदी जी के एंगल से देख रहा हूँ। मैं मेरे एंगल से नहीं देख रहा। मेरे एंगल से, आपके एंगल से तो विफलता है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, उनको क्या करना है उनको पक्का पता है। वो सब वो कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक सिविल वॉर जैसा अपने आप चल रहा है, और मोदी जी हताश हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। वो इस बात ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2002 में जैसे गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया था, उस तरह से अभी 2023 में मणिपुर को हिंदुत्व की, नॉर्थ ईस्ट की प्रयोगशाला बनाई गई है। वहाँ पर गुजरात में एडवर्सरी मुस्लिम था, यहाँ पर एडवर्सरी क्रिश्चियन है। ये सिर्फ एथनिक वॉर नहीं है, ये एथनिक सिविल वॉर नहीं, ये एथनो रिलीजियस वॉर है। और अभी तो सारे जो कुछ भी घटनाक्रम है, जो कुछ भी घटनाएं हम देख रहे हैं, पूरी तरह से इस दिशा की ओर अंकित करते हैं कि ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया कांड है। गुजरात जैसे 2-3 महीने तक जल रहा था, उसी तरह से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस के आर्मरी में आके लोग शस्त्र लूट के ले जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि शस्त्र उनके हाथ में थमा दिए गए हैं, वॉलंटरली दिए गए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार कि पुलिस के हाथों से दो महिलाओं को छुड़वा कर लोग लेकर जाते हैं, और उन महिलाओं के साथ में जिस तरह का विभत्स व्यवहार उस वीडियो में, मैंने तो वीडियो देखा नहीं, मैं देख नहीं सकता, मैं देखूंगा भी नहीं। तो ये सब मुझे लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, इसके पूरे पूरे। इसलिए मोदी जी जो करना चाहते हैं मणिपुर में, उसमें वो सफल हो रहे हैं। वो घटना वगैरह जाने दीजिए, घटना की क्या बात है? आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? किस कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेकर उसके नियमों का पालन करके पिछले 10 साल में इस देश में सत्ता चल रही है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप? आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो नहीं मानते हैं। अगर देखिए, रिट्रोस्पेक्टिवली आपको एविडेंस मिल गया है गुजरात का, मणिपुर में जो हुआ है वो गुजरात का एक एविडेंस है। बिल्कुल उसी तरह से क्यों क्यों मोदी जी चुप्पी साधे बैठे थे? अगर वो मणिपुर के बारे में कुछ बोलते तो सवाल पूछा जाता उनसे, फिर गुजरात में आप क्यों नहीं बोले थे? गुजरात में आपने क्यों चुप्पी साधी थी? आप मणिपुर के बारे में तो इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, तो फिर गुजरात में आप क्यों चुप बैठे थे? तो जो गुजरात में हुआ, मोदी जी उसमें प्रिसाइड कर रहे थे, वही मणिपुर में हो रहा है।
और आज भी मोदी जी भी उस पर प्रिसाइड कर रहे हैं। ये एक बना बनाया एक एक साजिश के तहत खेला गया खेल है। अभी इसके बारे में मेरे मन में तो कोई शंका नहीं बची है, और ये और भी आगे बढ़ेगा, और कुछ करना नहीं चाहते मोदी जी, ये स्पष्ट है। और उसी में उनकी चुप्पी का जो उत्तर है वही है कि गुजरात में उन्होंने जो किया वही मणिपुर में दोहराया गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।